हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लोग मेरे बी हैप्पी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दे एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को होम रेमेडी बताऊंगी, जिससे कि आप लोग अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद आप अच्छे, जब बहुत अच्छा चमत्कार देखोगे अगर एवरीडे करते हो तो, और आपके रिंकल्स प्रॉब्लम, ब्लैकनेस एंड डार्क सर्कल वगैरह जो भी होता है वो सब रिमूव हो जाएगा अगर रेगुलर यूज करोगे तो ही होगा फ्रेंड्स, एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो वो क्या है, क्या चीज है ऐसा कि आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका जितनी भी प्रॉब्लम है फेस की वो सब दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आलू, जी हाँ, आलू एंड विटामिन ए के कैप्सूल से ये सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो अब मैंने कैसे ये मतलब कि पैक बनाया है और कैसे इसको लगाना है सो आप लोग देख लीजिए कैसे बना है और कैसे लगाना है, और इसे ओवरनाइट अपने फेस पे लगा कर रखे। अगर ओवरनाइट आपको मतलब प्रॉब्लम होती है लगा कर रखने में सो आप 2 से 3 घंटे अपने चेहरे पे लगा कर रखे या फिर उसको अच्छे से मतलब अपने फेस को वॉश कर ले। एंड अगर ओवरनाइट रखना चाहते हो ओवरनाइट रखकर अगले दिन आप अपने फेस को वॉश कर ले। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। और हाँ फ्रेंड्स, आलू में विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड विटामिन ए के कैप्सूल तो बहुत अच्छा होता ही है आपकी स्किन के लिए एंड जो ब्लैकनेस आपके चेहरे पे आ जाते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा होता है। एक बार ट्रस्ट मी गाइज, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें और रात को एवरी डे नाइट में आप लोग लगाकर अपने फेस पे अप्लाई करके सोए, देखिए फिर रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक आलू लिया है, इसे अच्छे से मैंने धो लिया है और अब इसको मैं कद्दूकस करूंगी। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे विटामिन ए के कैप्सूल लिया है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और अब मैं आलू को छील लेती हूँ, इसके स्किन निकाल लूँगी अच्छे से। देखिए अच्छे से निकाल लेंगे। अब मैं कद्दूकस कर लूंगी आलू को अच्छे से। अब मैं यहाँ पे कद्दूकस कर ली हूँ आलू को, अब इसके जूस निकाल लेती हूँ। आलू में विटामिन सी पाए जाते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं कि जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, सच में आप लोग ज़रूर ट्राई करें। एंड अब इसमें हम विटामिन ए के कैप्सूल मिलाएंगे, मैंने यहाँ पे 2 विटामिन ए के कैप्सूल डाला है। अगर आपके पास कच्चा दूध हो फ्रेंड्स तो इसमें आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, वो स्किन के लिए ब्राइटनिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसमें चाहे तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं एक कॉटन के हेल्प से अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, आप देख लीजिए अच्छे से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप लोग भी ऐसे अप्लाई करें, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा है। इसे अपने चेहरे पर लगाकर ओवरनाइट छोड़ दे। अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो आप 2 से 3 घंटे बाद आप इसे वॉश कर ले, लेकिन बहुत अच्छा होता है ट्रस्ट मी गाइस। अगर आप लोगों को ये मेरी होम रेमेडी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं एंड मेरे वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए मैंने अपने आईज़ पे भी अप्लाई कर लिया है अच्छे से, ब्लैकनेस वगैरह हटने में बहुत हेल्प मिलेगा, इससे आपका स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगा। आप लोग एवरीडे ये ज़रूर लगाएं सोने के टाइम पे। सो ये मेरा, देखिए मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है।
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसे मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी ही अच्छा चाहिए, तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड आप लगाकर नहीं सो सकते तो आप 2 से 3 घंटे बाद अपना फेस वॉश कर ले, इससे भी रिजल्ट अच्छा आएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।